Assalamualaikum, मैं सुलेखा अरफात सुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन शामी कबाब। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश आज की बनाते हैं। चलिए सबसे पहले झटपट सा ड्राई मसाला बना लेते हैं। ये एक टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1/4 छोटा सा ही पीस है जायफल का, एक छोटा चाय का चम्मच सौंफ। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने दो टाइप की जो लाल मिर्चियाँ आती है वो ली है, 4 मैंने साबुत जो लाल कश्मीरी वाली आती है वो ली है, और 3 मैंने पतली वाली जो आती है रेशम वाली जिसे कहते हैं वो वाली मिर्च ली है। आप चाहें तो सारी ही कश्मीरी ले सकते हैं। एक बड़ी इलायची, एक जावित्री, आधी है लेकिन बड़ी वाली है जावित्री। अच्छा, तकरीबन 8-9 लौंग थे, एक डंडी दालचीनी की, एक छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, और ये है आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत वाली। ये सारों को एक मसाला जो हम जिसमें पीसते हैं बिना पानी डालकर, इसे सारों को डाल दीजिए और पीस लीजिए, एकदम पाउडर बन जाए, बस वही करना है। एक्चुअली आप ये सारी चीज़ साबुत डाल सकते हो, बट क्या होता है ना, जब आप शामी कबाब में ये साबुत चीज़ें खाते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा मुंह में आता है, और पीसने में भी बराबर कभी कभी पिसाया नहीं जाती, तो बस ओनली ऑन दैट नोट। लेकिन आप चाहें तो नहीं पीसना है आपको इस समय, तो सारों को डायरेक्टली भी आप डाल सकते हैं, मैं पीस लेती हूँ। ये बन गया हमारा ड्राई मसाला, इसे साइड पर रख दीजिए। एक कुकर के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा। 2 हरी मिर्चियाँ मैं डाल देती हूँ साबुत, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली काट कर इस तरीके से डाल दीजिए, और 2 तेज़पत्ते छोटे छोटे मैंने डाल दिए, और इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्ची पक्की नहीं हो जाती प्याज। जब प्याज कच्ची पक्की हो जाए तो 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भी 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। ये है यहाँ पर 1/2 किलो मैंने चिकन की बोनलेस ली है, इसे मैंने छोटे छोटे पीस किया, आपने देखा है। मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ, अब डाल दीजिए 1/2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच नमक, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हैं, और ये जो मसाला ड्राई बनाकर रखा था हमने वो भी सारा डाल दीजिए। इसे मिक्स कीजिए और फास्ट आंच पर 1/2 मिनट तक फ्राई कीजिए। जब 1/2 मिनट हो जाए मसाला हमारी चिकन के अंदर भून के, तो मैंने है ना ये तकरीबन 3/4 कप जितनी चने की दाल है इसे 2-3 पानी से धो के साफ पानी में मैंने 1-1.5 घंटे पहले भिगाने रखा था। अब इसे भी नितार कर मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद इसे एक बार चला लीजिए, और 3/4 कप जितना पानी डाल दीजिए, और इसे पानी डालने के बाद भी चला लीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही है, इसका ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर 1 सीटी खिला लीजिए। जब 1 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 20 मिनट पर रहने दीजिए। जब 20 मिनट हो जाए चूल्हे को कर दीजिए बंद, और अच्छा कम्प्लीटली प्रेशर निकल जाए तो खोल कर चेक कर लीजिए। इस समय चिकन तो ऑब्वियसली हो गई होगी, बट ये है कि हमारी जो दाल है बस वो होनी चाहिए थी। दाल भी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप उसे 1-1.5 घंटे भिगाने पहले रख दोगे वो भी जल्दी झटपट हो जाएगी। तो हमारे ये शामी कबाब मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब अच्छा कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो बैचेस में इसे पीस लीजिए। अब आप चाहें तो ऐसा चॉपर में पीस सकते हैं, या फिर मैं तो यूजुअली ये जो हमारी मिक्सर जार आता है ना, पहले तो मैं उसी में ही पीसती थी। अब इसमें बैचेस में मैंने पीस लिया, और एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया। इसमें एक अंडा फोड़ कर डाल दीजिए, नमक एडजस्ट कर लीजिए, बेशक कम लगे तो डाल दीजिएगा। 1 नींबू का रस डाल दीजिए, मीडियम साइज़ का ही नींबू था। यहाँ पर मैं 1 मीडियम साइज़ की छुंदा यानी कि बारीक कटी हुई प्याज डाल देती हूँ। आप 2 भी मीडियम साइज़ की डाल सकते हैं, बट क्या है ना, फिर फ्राइंग के टाइम पे अगर प्याज का पानी छूटा तो वो आपके लिए फ्राइंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैंने हरी मिर्चियों का इस्तेमाल आपने देखा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अच्छा खासा स्पाइसी लग रहा है मुझे, तो मैंने नहीं डाला। आप चाहे तो हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर डाल सकते हैं। मैं हमेशा से हाथों को तेल से ग्रीस कर लेती हूँ। मीडियम पोर्शन लीजिए, बॉल बना लीजिए और फिर उसे चपटा कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा चिकन शामी कबाब, इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अच्छा, अगर आप बड़ी साइज़ के बनाएंगे तो बेशक आपको पता ही है कम बनेंगे, और छोटी साइज़ के बनाएंगे तो ज़्यादा बनेंगे। ये मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। प्याज मत डालिएगा,
और इस रेसिपी में हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्चियाँ, सूखी लाल मिर्ची पाउडर जो भी है वो अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, आपने देखा मैंने फ्राइंग के टाइम पे दो हरी मिर्चियाँ डाली थी, फिर मैंने जब बैटर चखा ना, ये जो मिक्सचर चखा ना पीसने से पहले, तो मुझे अच्छा स्पाइसी लग रहा था, तो मैंने वो जो हरी मिर्चियाँ हैं दो है ना उसे चुन के निकाल दी, और जो तेज पत्ते थे उन्हें भी निकाल कर डिस्कार्ड कर दिए, और उसके बाद मैंने पीसा हाँ ये चिकन के मिक्सचर को। तकरीबन आप देख सकते हैं मेरे सारे बन गए, 20 तकरीबन बने हैं। मैं यहाँ फ्राई कर लेती हूँ, एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ही तेल डालिए और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर हमारी सारी जो चिकन है शामी कबाब ये लगा दीजिए। फ्यू एट अ टाइम डालें, जितना आपकी जो फ्राई पैन है उसमें समा सके उतने ही डालिएगा। और आपने देखा मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला और फास्ट आँच पर ही इसे करना है। बस पीछे की साइड आपको लगे कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने चूल्हा मीडियम किया और इसे पलट देती हूँ। और पलटने के बाद भी आप चाहे तो मीडियम पर या फिर फास्ट आंच पर पीछे की साइड भी बस लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक उसे पका लीजिए। जब दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो क्रिस्पी हो जाएंगे, और इसे जब क्रिस्पी हो जाए तो निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए टिश्यू पेपर के ऊपर। मुझे थोड़ा सा तेल कम लगा तो मैंने फिर से डाला है, और एक मैंने एक्स्ट्रा डाला है इसके लिए थोड़ा तेल डाल दिया था। चलिए मैंने कर दिया चूल्हा बंद, और इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। और गर्मा गर्म इन्हें आप चाहें तो कोई हरी चटनी है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगेगी इसके साथ, वो भी आप बनाकर सर्व कर सकते हैं, या फिर टमाटर केचप के साथ सर्व कीजिए। या फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो दही वाला जो हरी चटनी बनती है बहुत ही मज़ेदार होती है, चटपटी सी, मैंने वो बनाई है उसके साथ सर्व कर रही हूँ। ये बन गई हमारी बढ़िया सी मज़ेदार लज्जतदार डिलीश बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट चिकन शामी कबाब, और ये है हमारी हरी चटनी दही वाली, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसकी रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने कीमे से और थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में चिकन की शामी कबाब बनाई और मटन का भी बनाया है, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वो भी वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले के वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।